बात चल रही थी एग्ज़ाम नोट्स की कि पेपर तो सर पे आ गए हैं लेकिन तैयारी हमारी अच्छे से हुई नहीं है, या हमारे पास बुक्स अवेलेबल नहीं थी, एग्ज़ाम नोट्स अवेलेबल नहीं थे, या एन नंबर ऑफ एक्सक्यूज़ेस जो हर बच्चे के होते हैं। लेकिन लास्ट मोमेंट के ऊपर पढ़ाई तो करनी है, एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर तो करना ही है, तो अब क्या करें? कुछ नहीं करना, आप सही जगह आ गए हैं। वेलकम टू आवर चैनल टीचर कूल, जहाँ पे हम कर रहे हैं एग्जाम नोट्स। अब हम कर रहे हैं एग्जाम नोट्स फॉर द सब्जेक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी एंड रिलेटिविटी, राइट? ठीक है, इससे पहले हम ऑलरेडी काफ़ी सारे टॉपिक्स कर चुके हैं, बहुत सारे वीडियोस एंड टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस को हम उठा चुके हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो अवेलेबल हैं काफ़ी टाइम से। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक ऐसा ही क्वेश्चन जो पेपर में बहुत बार आ चुका है एंड काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं जिसके दोबारा से आने के। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन जो है आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले अगर आप इस वीडियो पे हैं तो लाइक करिए एंड शेयर करिए, एंड ऑब्वियसली अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से इज एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम इन अ गैस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, बिल्कुल कंसेप्चुअल है, कोई बड़ी बात, कोई बड़ी डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन कुछ नहीं है इसके अंदर। बस सिंपल सा एक कंसेप्ट है जो आपको समझना है एंड आप पेपर के अंदर इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और एक अच्छे क्वेश्चन का अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, राइट? स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट क्या है। एक गैस मेरे पास है, उसके अंदर किस किस तरीके का ट्रांसपोर्ट हो सकता है, राइट? सो द फर्स्ट थिंग यू गोना राइट इन द एग्जाम इज द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है? तो यहाँ पे ट्रक गाड़ी की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गैस मॉलिक्यूल्स की। तो गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर बेसिकली हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ हमारे डिफरेंसेस आते हैं जिसके कारण ट्रांसपोर्टेशन होती है। फर्स्ट इज, फर्स्ट हमारा जो रहता है वो रहता है मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। हमने मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज निकाली थी, रूट मीन स्क्वायर, एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल, इस तरीके के हमने दो तीन वेलोसिटीज निकाली हैं। लेकिन हमने ये बोला था एवरी मॉलिक्यूल possesses different kinds of energy, और वो एक molecule velocities का एक continuous graph निकल के आया था which varied from 0 to infinity, right? तो 0 to infinity जाने तक हर molecule की क्या थी, एक अलग velocity थी। अब अगर हमारे पास दो molecules हैं जो अलग velocity से move कर रहे हैं, when they are going to pass through one another, they are going to exert some force, ड्रैग फोर्स, और किसी भी तरह के ड्रैग फोर्स को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी या फ्रिक्शन। हमारे सॉलिड्स के अंदर हम उसे फ्रिक्शन बोलते हैं, लिक्विड्स के अंदर, गैसेस के अंदर वी कॉल इट विस्कस फोर्स। सो द फर्स्ट थिंग इज कि जब मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज अलग अलग वैल्यू पिक करेंगी, मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी अलग अलग वैल्यू पिक करेंगी, तो उस टाइम के ऊपर जो मेरी गैस है उसके अंदर कुछ लेयर्स डिवाइड हो जाएंगी जिसके हर लेयर की एक अलग वेलोसिटी होगी। तो उस हर एक लेयर का आपस में जब कोई मॉलिक्यूल्स टकराएंगे या दिल मूव पास वन अनदर, देर बी अ ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन दम विच विल लीड टू द फिनोमिना ऑफ विस्कोसिटी। फर्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गया विस्कोसिटी, राइट? सिमिलरली विल से कि एवरी मॉलिक्यूल विल पोजेस अ डिफरेंट काइंड ऑफ थर्मल एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन इट्स वेलोसिटी, इट्स काइनेटिक एनर्जी, इट्स थर्मल एनर्जी विल वेरी बिकॉज टोटल जो हमारा इंटरनल एनर्जी है दैट रिमेंस कॉन्स्टेंट फॉर द होल गैस। तो हर एक मॉलिक्यूल का अपना अपना कुछ शेयर रहेगा, तो एवरी वेलोसिटी इज डिफरेंट, सो वी से एवरी मॉलिक्यूल विल बी प्रेजेंट एट अ डिफरेंट टेम्परेचर ड्यू टू विच देयर बी फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल रीजन्स जिनका अपना कुछ टेम्परेचर रहेगा। एंड उन टेम्परेचर रीजन्स के अंदर जब हम उन्हें एक साथ लेके आएंगे तो क्या होगा, फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी होगा। फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी कंडक्शन से भी हो सकता है, कन्वेक्शन से भी हो सकता है। मॉलिक्यूल्स में बोलेंगे तो विल से मॉलिक्यूल सॉलिड हम कंसिडर करते हैं तो विल से कंडक्शन, अगर गैस का बोलेंगे एज अ होल तो विल कॉल इट, सिंस इट इज अ लिक्विड तो विल कॉल इट अ वॉट, कन्वेक्शन और रेडिएशन इन केस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो उस इस केस के अंदर सिंस वी आर कंसिडरिंग द थर्मल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स विल से दिस फिनोमिना विल लीड टू द कंडक्शन, ठीक है?
दो मोड्स हो गए. थर्ड इज हम बोलते हैं कि एवरीवेयर मॉलिक्यूल्स आर रनिंग अराउंड विद डिफरेंट सेट ऑफ स्पीड्स एंड दे आर कोलाइडिंग विद वन अनदर. तो एट दैट मोमेंट व्हाट विल हैपन इज सम रीजन्स विल हैव अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेटेड. एक तरफ को बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या है ट्रैवल कर रहे हैं फॉर दैट विल बी ऑल्सो रैंडम प्रोसेस. ऐसा कुछ फिक्स नहीं है बट वी से कि कहीं पे नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी वेरी हाई वेयर एज कहीं कहीं के ऊपर हमारे पास देयर विल बी अ लॉट ऑफ मीन फ्री पाथ. कोई भी दो कोलिजन्स के बीच का जो पाथ रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा. तो ऐसे केसेस के अंदर क्या होगा मॉलिक्यूल्स भी डिफ्यूज होंगे. डिफ्यूजन हमने किया था छोटी क्लासेस में विच इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. मॉलिक्यूल्स भी अपने आप को यूनिफॉर्म वे में डिवाइड करने की डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे. सो सेम वे विल हैव अ फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन. नाउ द क्वेश्चन सेज आई नीड टू एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम. अब ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम किसके कारण होगा. टोटल हमारे पास आ गया विस्कोसिटी कंडक्शन एंड डिफ्यूजन ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ. विस्कोसिटी में क्या है वेलोसिटीज सो विल से मोमेंटम. कंडक्शन के अंदर थर्मल एनर्जी है तो अगर वो पूछेगा मोमेंटम विल एक्सप्लेन विस्कोसिटी वाला फिनोमेना. अगर इट सेज एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी इन अ गैस विल एक्सप्लेन द कंडक्शन फिनोमेना. एंड सिमिलरली इफ इट सेज एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मास इन अ गैस इन दैट केस डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स एज अ होल इज मूविंग अराउंड सो विल एक्सप्लेन द मास वाला कंसेप्ट. ठीक है नाउ वी आर आस्क ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम इन अ गैस सो विल एक्सप्लेन द विस्कोसिटी वाला फिनोमिना. सो वी से हमने एक गैस लिया गैस को हमने एक 3D ग्राफ के अंदर प्लॉट कर लिया. वाइल प्लॉटिंग वी से कि कोई भी गैस जो है मैंने एक्स एक्सिस को मेरी रेफरेंस लाइन ले लिया है. सो अगर मेरी कोई भी गैस मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के ऊपर है या कोई भी लेयर है तो उसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो जीरो रहेगी. राइट देन वी से कि हम तीन लेयर्स को कंसिडर करते हैं सच दैट जो मेरी बीच वाली रहेगी ए बी दैट आई विल टेक एज रेफरेंस लेयर जिसकी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज वी वेयर एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है वाई. ठीक है इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ वाई फ्रॉम द एक्स एक्सिस. देन विल से कि सिंस दीज लेयर्स आर वेरी क्लोजली पैक. कितनी क्लोजली पैक हमने बोला था कोई भी दो मॉलिक्यूल अगर एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन तक का हम डिस्टेंस मेजर करते हैं दैट डिस्टेंस इज नोन एज मीन फ्री पाथ. तो हम उसी को पिक करते हैं. सो वी से इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा इट विल बी इक्वल एन टू मीन फ्री पाथ विच इज माई लैमडा. राइट तो मीन फ्री पाथ से इनका सेपरेशन आ गया. अब सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिफॉर्म वेलोसिटीज विच आर एक्सपीरियंसिंग विस्कस फोर्स सो वी से कि इनके अंदर एक वेलोसिटी ग्रेडियंट क्वांटिटी हम जनरेट करेंगे जो मुझे बता पाएगी कि एक्स एक्सिस से जैसे जैसे मैं मूव कर रही हूँ तो जो वेलोसिटीज का डिफरेंस है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन अ यूनिफॉर्म मैनर. हमने इस डायरेक्शन के अंदर चेंज देखना है ये मेरा रेफरेंस है. तो आई विल से कि मेरा जो वेलोसिटी ग्रेडियंट अलोंग वाई डायरेक्शन वेलोसिटी इस तरफ है लेकिन ग्रेडियंट इज अलोंग वाई डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर. सो वी से वेलोसिटी ग्रेडियंट विल बी डी वी डी बाय डी वाई मतलब पर्टिकुलर चेंज इन हाइट फ्रॉम द एक्स एक्सिस विल हैव अ पर्टिकुलर चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम माई रेफरेंस लाइन. क्लियर है. तो अब देखो वी से कि ये जो मेरी लेयर है इसके ऊपर इस वाली लेयर से भी पार्टिकल नीचे की तरफ जाएगा. ठीक है यहाँ से भी सम पार्टिकल विल ट्राई टू क्रॉस ओवर नीचे वाली से भी जाना की ट्राई करेगा. ठीक है तो यहाँ पे जब वो क्रॉस करने की कोशिश करेंगे दे ऑल आर मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बट विद डिफरेंट स्पीड्स. तो क्या होगा ये जल्दी जा रहा है ये धीरे जा रहा है तो क्या होगा इन दोनों के ऊपर एक विस्कस फोर्स लगेगी विच विल बी टेंजेंशियल टू दीज लेयर्स. इसी डायरेक्शन में लगेगी ऐसे ही ऊपर से जो आएगा उसके साथ भी लगेगी. राइट लेकिन अगर हम विस्कस फोर्स को याद करें तो विस्कस फोर्स वॉज गिवन एज ईटा टाइम्स डी वी बाय डी वाई विच इज वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड ईटा वॉज माई कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी.
ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला रहता था, ठीक है। तो इस फॉर्मूले तक हमें जो है पहुंचना है हमारे आंसर को टोटली वेरीफाई करने के लिए। तो हमने एक बार कोई एक्सप्रेशन निकाल के छोड़ दिया है, अब चलते हैं वापस से इस लेयर के ऊपर। अब देखो, मास एक मॉलिक्यूल का लेंगे, दैट विल बी सेम एंड कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द गैस, क्योंकि एक ही गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। वेलोसिटी के अंदर नीचे की तरफ वी से देयर इज अ डिक्रीज, तो यहाँ पे कितना डिक्रीज आएगा वेलोसिटी में, लैम्डा इंटू डीवी बाई डीवाई। डीवी बाई डीवाई अगर आपको कोई फॉर्मूला एग्जैक्टली नहीं आता है तो उसको आप डायमेंशंस में कन्वर्ट करके देख सकते हो। वेलोसिटी इज मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। हमारे पास इसके अंदर एड जो होगा वो वेलोसिटी डायमेंशन का ही होगा, तो लैम्डा किस में है, डिस्टेंस में, डीवी किस में है, वेलोसिटी में, एंड डीवाई जो है इट इज अगेन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस से डिस्टेंस कटेगा, तो दैट्स वाई हमारे पास एक वेलोसिटी ग्रेडियंट इनटू मीन फ्री पाथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा वेलोसिटी ऑफ लोअर लेयर आ जाएगा और ऊपर वाले का क्या आएगा, ऐड हो जाएगा, बिकॉज इससे ऊपर ऐड है इससे नीचे नेगेटिव है, एंड दिस इज माय रेफरेंस लाइन। सो वी से पार्टिकल गोइंग डाउनवर्ड, यहाँ से नीचे जाने वाला पार्टिकल कितना मोमेंटम जो है इम्पार्ट करेगा, क्योंकि उसका मोमेंटम क्या है, हाई है, तो मास इंटू ये वाला वेलोसिटी। सिमिलरली कोई पार्टिकल नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, सेम मास इंटू उसकी वेलोसिटी विच इज वी माइनस लैम्डा डीवी बाय डीवाई। सिमिलरली तो हम बोलेंगे कि अगर मैं इसको कंसिडर कर रही हूँ इस लेयर को, तो एट एनी इंस्टेंट जब ऊपर नीचे दोनों से क्रॉस करेगा तो एक मॉलिक्यूल के लिए मेरे पास कितना चेंज इन मोमेंटम या नेट ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम आएगा, हम इन दोनों क्वांटिटीज को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे माइनस इसलिए है क्योंकि इनका डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो आई गेट माई रिजल्ट एज दिस। यहाँ तक सबको क्लियर है, हमने ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया किस किस कारण होता है। विस्कोसिटी वाले पार्ट को व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग, तो हमने एक जनरल फॉर्मूला निकाल के छोड़ दिया, उसके बाद वी आर ट्राइंग टू फाइंड इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम ट्रांसफ़र, क्योंकि हमें वही एक्सप्लेन करना है। तो नेट ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम आ गया ये, दिस इज़ नॉट द फाइनल आंसर, हमें फाइनली बताना है विस्कोसिटी के कोफिशियंट की टर्म्स में। अब देखो, अब हमें निकालना है कि एक मॉलिक्यूल के लिए इतना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है, लेकिन एट वन सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वहाँ से क्या हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक यूनिट वॉल्यूम का सिलेंडर रख लेते हैं जिसका हाइट इज, सॉरी इस डायरेक्शन में नहीं, विल कंसिडर इट इन दिस डायरेक्शन सच दैट इसका जो एरिया है इट इज़ वन यूनिट वाइल इट्स लेंथ इज और हाइट इज लैम्डा विच इज इक्वलेंट टू मीन फ्री पाथ। तो इसका वॉल्यूम कितना होएगा, एरिया इंटू हाइट, लैम्डा बचेगा, राइट। हमें बताया, हमने अज्यूम किया था एन इज माई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो इस सिलेंडर को कितने क्रॉस करेंगे, एन इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, लैम्डा, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए वन सेकेंड के अंदर जो इसको क्रॉस करेंगे। अब जितने मॉलिक्यूल्स n लैम्डा हैं वो इसे तीनों डायरेक्शन में क्रॉस करेंगे x, y, z, हमें कौन से डायरेक्शन में चाहिए, x डायरेक्शन में, तो हमारे पास पहले तो आ गया 1/3, फिर x की भी हमें सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर चाहिए, वी आर नॉट कंसिडरिंग इट इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो एक और हाफ का कंसेप्ट आएगा फॉर नेगेटिव एंड पॉजिटिव, टोटल कितना आया 1/6 n लैम्डा, ठीक है। अब ये इतना डिस्टेंस हर पार्टिकल हम एज्यूम कर रहे हैं इट इज़ मूविंग विद द स्पीड विच इज़ नोन एज माय एवरेज स्पीड विच इज़ सी बार, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम क्या होगा, स्पीड अपॉन, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो सेम चीज़ मैंने करा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड विल गिव मी द टाइम टेकन बाय वन मॉलिक्यूल टू क्रॉस दिस लेयर, ये आ गया। अब टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर यूनिट सेकेंड पर यूनिट एरिया क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़, ये वाले मेरा टाइम टेकन है, टाइम टेकन बाय ऑल द मॉलिक्यूल्स, एंड फॉर इतने मॉलिक्यूल्स क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय दिस, तो यहाँ से ये चीज़ एंड इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए इनटू एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम ट्रांसफ़र।
बट दिस मोमेंटम ट्रांसफर पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज इक्वलेंट टू माई विस्कस फोर्स, जो मेरी क्या थी, एफ इज इक्वल टू ईटा डी वी बाई डी वाई. सो दिस विल कम आउट टू बी इक्वलेंट टू 1/3 एम एन सी बार लैमडा डी वी बाई डी वाई. इसके बाद एक आंसर आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, यहाँ से कंपेयर करके डी वी बाई डी वाई कैंसल आउट हो जाएगा. ईटा के टर्म्स में आप एक एक्सप्रेशन छोड़ सकते हैं. बट अगर आप बोलें कि m इंटू एन मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो आप इस वाले टर्म में भी दे सकते हैं. सिमिलरली अगर आप लैम्डा की वैल्यू, मीन फ्री पाथ की वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो उसके टर्म्स में भी दे सकते हैं. यहाँ तक भी अगर आप देंगे तो आपके मार्क्स जो हैं फुल आएंगे. आपको बस यही एक्सप्लेन करना था, दिस इज ऑल. यही एक क्वेश्चन था जो पूछा गया था, सिंपल. हमने अपनी तरफ से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे दी है, पूरे को एक्सप्लेन किया है, एंड सिर्फ एक यही डायग्राम को हमने प्लस माइनस करना है. आप देख सकते हैं कहीं पे भी डिफरेंशिएशन तक नहीं है, कोई हार्ड रूल, कोई हार्ड फॉर्मूला कुछ नहीं लगा है. बेसिक कंसेप्ट है, अगर आप इसे एक बार और सुनेंगे आपका जो आंसर है वो, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आपका आंसर तैयार हो जाएगा. आप पेपर के अंदर लिख सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स अगर आप करेंगे तो और पक्का होता जाएगा. तो डू वॉच इट, डू लाइक इट, डू सब्सक्राइब इट, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच. विल कम बैक विद द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सून. एंड डू वेल एंड डू लेट मी नो आपका पेपर कैसा गया. थैंक यू.